हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन एंड वेलकम टू जी कोर। तो जी कोर सीरीज में आज ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा और डे 5 होगा। इसमें मैं ईडीसी में जो क्वेश्चन दे रहा हूं तो हर टाइप का क्वेश्चन देने का ट्राई कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा, एग्जामिनेशन देने के लिए जाइएगा गेट का पेपर, तो गेट का पेपर पूरी तरह से बैलेंस होता है। बैलेंस इन द सेंस जो उसमें कुछ टफ क्वेश्चन भी होंगे, कुछ आसान क्वेश्चन भी होंगे, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन भी होंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन, कुछ बुरे क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन होगा। अब अच्छे बुरा इन द सेंस आपके नज़र में हो सकता है हल्का क्वेश्चन हो, आपसे वहाँ पे माइंड हिट ना करे तो नहीं बन पाए, तो वो आपके लिए टफ हो गया। और टफ क्वेश्चन हो, आपका माइंड क्लिक कर गया, वो बन जाएगा आपसे। तो हर टाइप का क्वेश्चन पेपर में आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे हर तरह का क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। हो सकता है क्वेश्चन को लगता है सर ये तो फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था, आप फॉर्मूला पुट किया, आंसर आ गया, आप इस क्वेश्चन को लेकर क्यों कर लें डिस्कशन। मेरा डिस्कशन करने का मोटिव ये है जो इस तरह का ही क्वेश्चन गेट में पूछा जाता है, तो आप ऐसा ना हो जो हार्ड क्वेश्चन के पीछे भागने लग जाए और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मिस कर दे। और छोटे कॉन्सेप्ट को अगर ट्रेस नहीं करके, रिवीजन नहीं करके जाइएगा तो एग्जामिनेशन में इजी क्वेश्चन को और इजी कॉन्सेप्ट को हैंडल करना उतना आसान नहीं होता है जितना कि आप अभी समझ रहे हैं। तो इसीलिए जितने भी सीरीज में जो जिस तरह का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, छोटी हो बड़ी हो, हर तरह के कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ जो आपको सिखा सकूँ, रिकॉल करवा सकूँ, रिवीजन करवा सकूँ। तो देखते हैं इसी में ये क्वेश्चन नंबर 4 है ईडीसी का, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लर्न कर सकते हैं और इसके थ्रू क्या चीजें हम सीख सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, अ हैवीली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। जो ही एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में दिखे या सुने तो आपको सारी चीजें उसका आ जाना चाहिए माइंड के अंदर। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी कैरियर में होगा, होल्स माइनॉरिटी कैरियर में होगा, डोपिंग कंसंट्रेशन N=ND होगा, ये सब सारी चीज़ें जो भी है वो आ जाना चाहिए जितना कि आप जानते हैं। तो जब आप रिवीजन किए होइएगा तभी ये सब चीज़ें माइंड में आएगा आपको, और इसी तरह से रिवीजन और रिकॉलिंग करना है इस टाइम में, और कुछ नहीं करना है आपको। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज द फॉलोइंग डाटा। क्या सब गिवन है देखते हैं। होल इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी रेशियो, होल इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी रेशियो मीन्स μP/μN का वैल्यू गिवन है आपको। कितना गिवन है? 0.4 गिवन है होल इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी रेशियो। ओके, इसके बाद आगे देखिए डोपिंग कंसंट्रेशन। एन टाइप सेमीकंडक्टर है और डोपिंग कंसंट्रेशन कितना दिया है? 4.2 × 10⁸ एटम पर मीटर क्यूब। और आपको मैं हमेशा बोल रहा हूँ डे 1 से जो यूनिट का ख्याल रखिएगा ईडीसी के क्वेश्चन में, क्योंकि एमएसक्यू पूछ रहा है और एमएसक्यू नहीं भी पूछता फिर भी नेट टाइप में यूनिट में फंसाएगा आपको, और फंसना नहीं है आपको। तो इसमें कितना हो जाएगा इसका जो डोपिंग कंसंट्रेशन है एन का वैल्यू, एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो N= कितना हो जाता है? ND। ओके, जितना डोनर कंसंट्रेशन का कंसंट्रेशन होता है उतना इक्वल इसका हो जाता है डोपिंग कंसंट्रेशन का वैल्यू = कितना हो जाएगा जो गिवन है कितना? 4.2 × 10⁸ एटम पर मीटर क्यूब, नोट सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब में है। ओके, अब चलते हैं आगे। आगे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ कंडक्टेंस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर टू दैट ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऑफ ए सेम मटेरियल एट सेम टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट है, क्या सब पूछ रहा है? कंडक्टेंस ऑफ एन टाइप एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये देखिएगा एन टाइप और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसके कंडक्टेंस का रेशियो पूछ रहा है। मींस आपसे पूछ रहा है सिग्मा n डिवाइडेड बाय सिग्मा i का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। सिग्मा जो सिग्मा से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कंडक्टिविटी को, और यहाँ पे वही है कंडक्टेंस, जैसे रेसिस्टिविटी को क्या है? रेसिस्टेंस। तो ये है कंडक्टेंस पूछा जा रहा है आपसे। ओके, सिग्मा का वैल्यू तो सर क्या निकालेंगे? तो आपको इससे पहले का भी क्वेश्चन मैं लिया हूँ, उसमें भी कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बार बार यूज हुआ है और सिग्मा आया हुआ है, और आपको अब अच्छी तरह से याद होगा सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है कंडक्टिविटी। सिग्मा = N³ μN होता है, ये होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। अगर एन लिख दूं यहाँ पे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, लेकिन यही अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए पूछ ले आपसे तो सिग्मा P= क्या होगा? PQ μP हो जाएगा, ये हो जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। ओके, अब चीजों को याद करके, रिकॉल करके, रिवाइज करके चीजों को हैंडल करना है। ठीक, ये जितना कीजिएगा अभी इस टाइम पे 20 डेज में आपको उतना ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में। ओके, अब अगर पूछ रहा है इंट्रेंसिंग का कितना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? Ni, Q और μN या μP जो भी गिवन होगा, वो सॉरी μP और μN दोनों गिवन होगा। इंट्रेंसिक है तो कितना हो जाएगा? μN + μP हो जाएगा इस केस में, ये हो जाएगा इंट्रेंसिक के केस में। ओके ये तीनों फॉर्मूला आपको कंडक्टिविटी का याद रखना है। ये तीनों फॉर्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन को इजीली टैकल कर लीजिएगा। स्टूडेंट क्या गलती करता है यहाँ पे अभी मैं बताऊंगा, स्टूडेंट के इस आसान क्वेश्चन में किस तरह गलतियां हो जाती है जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है उसको। अब देखिए सिग्मा एन का वैल्यू, सिग्मा एन कितना है, क्यू एन क्यू म्यू एन, तो पुट कर दिए यहाँ पे। सिग्मा एन बराबर कितना हो जाएगा, एन क्यू म्यू एन। अब देखिए एन इक्वल टू क्या है, एन डी, यही है ना डोपिंग कंसंट्रेशन, तो एन डी क्यू और म्यू एन, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जो भी होगा देखते हैं, अभी वैल्यू पुट कर देंगे। और दूसरा क्या है, सिग्मा आई इंट्रिंसिक, नहीं देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी कितना होगा, क्यू म्यू सॉरी क्यू एन आई म्यू एन प्लस म्यू पी, ओके ये हो जाएगा। अब बोल रहा है सिग्मा एन अपॉन सिग्मा आई, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, सिग्मा एन अपॉन सिग्मा आई, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, एन डी क्यू म्यू एन अपॉन कितना हो जाएगा, क्यू एन आई म्यू एन प्लस म्यू पी, और क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, वैसे भी क्यू क्या है, क्यू का वैल्यू भी रखेगा तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। क्यू का वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और इस सब का वैल्यू याद नहीं भी है तो टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम में इस सब का वैल्यू गिवन होगा आपको अच्छी तरह से। गेट एग्जाम में यही तो अच्छी बात होता है, और डाटा देख करके कॉन्सेप्ट पूछेगा आपसे, डाटा वाला वैल्यू नहीं पूछेगा आपसे, कॉन्सेप्ट पूछेगा जो आप क्या गलती करते हैं। ये सब क्यू का वैल्यू गिवन होगा आपको, जैसे क्यू का वैल्यू हो गया, के का वैल्यू, ये सब गिवन होता है क्वेश्चन में, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए आगे एनडी, एनडी का वैल्यू आपको पता होगा कितना है, एनडी का वैल्यू है सर 4.2 × 10⁸, ओके। इसके बाद कितना है म्यू एन, म्यू एन का वैल्यू कितना है पता नहीं है सर मुझे, म्यू एन का वैल्यू पता ही नहीं है, इसको ऐसे ही रखना है अपॉन, यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं एन आई, एन आई का वैल्यू आपको पता है, ये देखिए एन आई का वैल्यू पता है आपको, ये देखिए एन आई का वैल्यू यही है ना 1.5 × 10⁴, तो यहाँ पुट कर दीजिए 1.5 × 10⁴। और इसके बाद कितना है म्यू एन प्लस म्यू पी, म्यू एन प्लस म्यू पी, इसका वैल्यू नहीं पता है मुझे, लेकिन मुझे पता क्या है, मुझे पता है रेशियो पता है म्यू पी अपॉन म्यू एन। सर इसका यूज कैसे करेंगे, अब देखिए ये जो म्यू एन है ना इसे डिवाइड कर दो ऊपर में भी और नीचे में भी, तो इसको म्यू एन को अगर म्यू एन से डिवाइड किया जाए तो 1 बचेगा, और नीचे करेंगे तो कितना बचेगा, ये देखिए ये बच गया 4.2 × 10⁸, ये तो 1 हो गया, इसी नंबर से डिवाइड करना, ऊपर और नीचे तो कर ही सकता है डिवीजन, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो पता होगा आपको। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.5 × 10⁴, और म्यू एन को करेंगे म्यू एन से डिवाइड तो कितना होगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा म्यू पी अपॉन म्यू एन, और इसी का वैल्यू आपको पता है, यहाँ से देखिए इसका वैल्यू पता है, पुट कर दीजिए यहाँ पे इसका वैल्यू, बस आंसर गेट कर लीजिए। तो फाइनली कितना आ गया ये देखिए सिग्मा एन अपॉन सिग्मा आई इक्वल टू कितना है 4.2 × 10⁸, 8 है नोट 18, 8 है ये 18 नहीं है 8 है, यही मिस्टेक नहीं करना है एग्जाम में, देख रहे हैं ना, अभी मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ तो एरर आ रहा है, इस तरह का एरर नहीं करना है आपको, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन में, और जितना प्रैक्टिस करके जाएगा एग्जामिनेशन में उतना कम गलती होने की पॉसिबिलिटी रहती है। और कितना हो जाएगा 1.5 × 10⁴, और ये देखिए 1 प्लस म्यू पी प्लस म्यू एन का वैल्यू कितना है 0.4, और 1 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये 1.4 हो जाएगा, ये 14 और 3 जा कितना हो जाएगा 4.2। अब देखिए इसको जब सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा तो एक जीरो यहाँ पे आएगा, और ये देखिए यहाँ से कितना आ गया 2 आ गया, और ये भी कैंसिल आउट हो, यहाँ 4 बचेगा, कितना हुआ 2 × 10⁴। अगर इसको इसमें लिखे यहाँ पे भरना है क्योंकि ये क्या है नेट टाइप क्वेश्चन है, तो कितना हो जाएगा 2 पे कितना 0 40, दैट इज 20,000 इज योर करेक्ट आंसर। कितना आ गया यहाँ पे, कितना फिल करना है 20,000 फिल करना है आपको, ये आपका करेक्ट आंसर है। यही अगर यूनिट में होता तो सर यूनिट क्यों नहीं है इसके पीछे, रेशियो में जब चीजें आती है तो यूनिट नहीं होती है, रेशियो किसी भी चीज का हो दैट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, आपको अच्छी तरह से आइडिया होगा, चाहे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो चाहे जितना भी होगा जो यूनिटलेस होगा, ये रेशियो है तो उसमें क्या होता है यूनिटलेस क्वांटिटी होगा, आपको अच्छी तरह से आइडिया होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन था, बस आसान था, गलतियां यहाँ पे होता है स्टूडेंट के साथ, ये एन आई करके या तो म्यू एन लेता है या म्यू पी लेता है, एक चीज वो स्किप मारता है, और स्किप मारने के चक्कर में उसका चीजें गलती हो जाती है। यहाँ पे जब इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी निकालता है तो यहाँ पे मिस्टेक कर देता है, यहाँ पे एन ले लेता है या फिर यहाँ पे एक वैल्यू ले लेगा म्यू एंड म्यू पी का, और बाकी कहीं गलती नहीं करेगा स्टूडेंट। और यहाँ छोटी सी गलतियाँ इसमें नेगेटिव मार्किंग में लेके चला जाएगा उसको, ठीक। तो इसीलिए आपको इस क्वेश्चन में बचना है, इस तरह गलतियाँ नहीं करना है। और अभी कुछ करना ही नहीं है, बस रिवीजन, प्रीवियस ईयर, टेस्ट सीरीज एनालिसिस, दैट्स इट। जितना चीज़ें पढ़े हैं आपने थ्रू आउट जर्नी में, जब से भी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, उसको बस अब ट्रेस कीजिए, अब उसको इकट्ठा कीजिए क्या क्या पढ़े हैं, और उसी को इम्प्लीमेंट करना है एग्जाम में। सुपर फॉर्म में चीज़ें चला जाएगा और कुछ नहीं करना है आपको। तो ऐसे ही हम लोग जी कोर, GS कोर, G28 में सीरीज चल ही रहा है आपको, आप लोग सुपर फॉर्म में इंजॉय भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही इंजॉय करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, कुछ सुपर कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक जुड़े रहिए जेनिक के साथ। थैंक यू सो मच।